हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दियां आ गई हैं और आप लोगों की भर भर के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं आप लोगों के लिए विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूं। तो आज मैं लेकर आई हूं अपना विंटर स्किन केयर रूटीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने विंटर स्किन केयर में। ये रहे वो प्रोडक्ट्स। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है और जो मेरे चिक्स वगैरह है ये सब ड्राई है। ऐसे में मुझे बहुत ही सोच समझ के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। और जब हम जब सर्दियाँ आती है तो हम नॉर्मल स्किन भी ड्राई हो जाती है और ऑयली स्किन भी थोड़ी सी हल्की सी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो हमें थोड़े से मॉइस्चर जिनमें होता है वो वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें नहाने से पहले जो है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा जस्ट नहाने से पहले अपनी बॉडी पे मस्टर्ड ऑयल से अपनी बॉडी को मसाज दीजिए। अगर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, जस्ट जिसमें मॉइस्चर होता है वो अपनी बॉडी में आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद नहाने के लिए जाएं। आपने देखा होगा कई बार हमारी स्किन पे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से निशान व्हाइट कलर के पड़ जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्किन से टोटली मॉइस्चर गायब हो जाता है। और हम लोग जब गर्म पानी होते हुए पानी से हम जब नहाते हैं तो वो हमारी बॉडी से पूरा मॉइस्चर निकाल देता है। तो इसीलिए हमें हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। उसी मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हम अपनी बॉडी के ऊपर, आप चाहे मॉइस्चराइज़र लगा कर भी नहाएंगे तो भी चलेगा, तो भी वो बेस्ट काम करेगा। लेकिन मैं हमेशा, मतलब हमारे घर में हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है नहाने से पहले। आप मस्टर्ड ऑयल लगाएं और उसके बाद आप बाथ लें तो बॉडी में जो भी इचिंग होती है गर्म कपड़े पहनने से या फिर थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ जाती है वो नहीं होगी और ना ही आपकी स्किन निकलेगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैं बाथ लेने के लिए यूज़ करती हूँ निविया का ये बॉडी वॉश और ये बहुत ही अच्छा है। इस पर मैंने अलग से रिव्यू किया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है उसके बाद से मुझे और कोई पसंद नहीं आया है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छी है। जब आप बाथ लेकर बाहर आते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट तक बहुत ही अच्छा फील होता है, पूरा रूम मतलब खुशबू से भर जाता है, इतना अच्छा है ये बॉडी वॉश। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ एकदम नहाने के बाद आकर मैं निविया का ही बॉडी लोशन इस्तेमाल करती हूँ। ये है बॉडी लोशन एक्स्ट्रा वाइटनिंग सेल रिपेयर, इसमें SPF भी है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी भी है। हमारी बॉडी को जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर इसमें है और इसमें SPF भी है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे ये, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये नहीं है कि आपको जस्ट आप जब नहा के बाहर आते हैं आपको इसे तभी इमिजिएटली लगाना है, ताकि ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए, आपके पोर्स के अंदर चला जाए और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाए। अगर आप कुछ नहा के आए और उसके बाद इधर उधर काम में बिजी हो जाए और उसके बाद बॉडी लोशन आप लगाने लगे, वो सब आपको नहीं करना है। आपको इसे एकदम नहाने के बाद ही यूज़ करना है। जस्ट नहा के बाद लेके आए उसके बाद बॉडी लोशन अप्लाई करें और उसके बाद आप अपनी स्किन को देखिए कि कितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा ये आपकी स्किन के लिए। बात आती है मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ सर्दियों में। मेरे पास 3 फेस वॉशेस हैं। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये बॉडी शॉप का, द बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश। जिनको पिंपल्स हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया इसे ज़रूर ट्राई करें। ये हल्का सा कॉस्टली है लेकिन ये बहुत अच्छा, ट्रस्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आपके स्किन पे आते हैं तो आपके लिए ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर भी मैंने अलग से रिव्यू किया था, आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके बाद मैं या तो ये क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, या मैं कहीं बाहर जाती हूँ या मेरे पास वो वाला फेस वॉश नहीं होता तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। जो टीनएजर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, एटलीस्ट मुझे 9 से 10 साल हो गए हैं इस फेस वॉश को यूज़ करते हुए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और आजकल मैं जो तीसरा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ एक हफ्ते से, ये है लोटस का वाइट ग्लो। अभी मुझे इस पर रिव्यू करना है लेकिन अभी तक ये ठीक ठाक काम कर रहा है।
बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इस पर मैं अलग से रिव्यू करूंगी, क्योंकि एक बार मैं सेटिस्फाई हो जाऊं इसके रिजल्ट से, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये अच्छा है या नहीं। उसके बाद हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज करना होता है। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं हमेशा मॉर्निंग में पतंजलि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। इससे अच्छा मॉइस्चराइजर मुझे कोई नहीं लगता, इससे अच्छा प्राइमर मुझे कोई नहीं लगता। मतलब ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद हमें चाहिए होता है टोनर, तो टोनर के लिए मैं यहाँ पर पतंजलि का टोनर लेती हूँ। ये गुलाबरी डाबर का गुलाबरी का पैक था, पहले मैं ये डाबर का प्रोडक्ट यूज करती थी, लेकिन इसके बाद मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि डाबर का प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसमें इसकी स्प्रे बॉटल में मैंने पतंजलि का रोज वाटर इसमें डाला है, तो ये भी बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। और जिन लोगों को एस्ट्रिंजेंट लगाना चाहिए और किन लोगों को टोनर लगाना चाहिए, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो किया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्किन टाइप वालों को कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। इसके बाद हम यूज करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी उतना ही जरूरी है जितना कि हमें समर में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, उतना ही हमें विंटर्स में जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बादल नहीं निकलते तो हम सोचते हैं कि सनस्क्रीन लगाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा सनस्क्रीन को अप्लाई करना है बाहर निकलने से पहले भी, और अगर आप घर में भी रहते हैं तो भी आप सनस्क्रीन को अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पर लोटस का सनस्क्रीन यूज करती हूँ, मैं हमेशा से यही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैंने सनस्क्रीन के ऊपर कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसकी प्रेगनेंस में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें अपने सनस्क्रीन में। उसके बाद अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेरे पास बल्क में लिप बाम्स हैं, तो कभी मैं हिमालय का यूज कर लेती हूँ, लेकिन दो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, एक तो ये निविया का स्ट्रॉबेरी शाइन और दूसरा ये मेबेलिन का है पिंक लिप्स बेबी लिप्स, और इसके अलावा मेरे पास हिमालय का है पीच, जो आजकल मेरा करंट फेवरेट है। अभी वो दूसरे रूम में पड़ा है तो मैं इसलिए लेकर नहीं आई, तो अभी फिलहाल मेरे लिए मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं। ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखते हैं, और मेबेलिन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और इस पे मैंने अलग से किया था कि बेस्ट टॉप 5 बजट लिप बाम के ऊपर, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो उसे भी चेकआउट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मैं रात को क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, तो मैं रात को कभी कभी मॉइस्चराइजर के लिए अपनी स्किन को वॉश करने के लिए वही सेम दो जो मेरे बॉडी वॉश है मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, और उनके अलावा मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए कभी पतंजलि का ये एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम, ये सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है, सभी स्किन टाइप के लिए ये एकदम परफेक्ट है, और ये इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी, आप उसे एज ए नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं इसके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके यूजेस के बारे में बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगी। बाकी इनके अलावा नाइट क्रीम के लिए आप निविया की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे एज ए नाइट क्रीम यूज़ कीजिए, इसे एज ए क्रैक क्रीम यूज़ कीजिए, इसे एज ए लिप बाम यूज़ कीजिए। मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, जब मेरे पास टाइम नहीं होता मैं ऑल टाइम मतलब अपनी फेवरेट निविया के प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है। कई बार होता है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हो जाती हूँ, तो निविया का प्रोडक्ट जो है वो मेरे यहीं पर टेबल पर पड़ा रहता है, तो मैं इसे एज ए हैंड क्रीम मतलब ऑल ओवर अपनी बॉडी पर इसे लगा लेती हूँ, और ये बहुत अच्छे क्रैक क्रीम का भी काम करता है। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये एकदम बेस्ट है, और जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और सर्दियों में और ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो वो ये निविया के सॉफ्ट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी रखती है। बाकी इसके अलावा आप रात को सोते टाइम कभी भी, पहले मैं मेबेलिन लगाती थी लेकिन आजकल मैं पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको हमेशा रात को सोने से पहले पेट्रोलियम जाली का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे अपने लिप्स पर अप्लाई करना चाहिए, इसे अपने आप इसे एज ए क्रैक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्यूटिकल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और बहुत जल्दी मैं इस पर इसके यूजेस के बारे में भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। और इसके अलावा मैं
बायो ऑयल का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलती। ये मेरी शायद थर्ड या फोर्थ बॉटल है। मैं इसे एज ए नाइट क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसे नीविया की क्रीम में मिक्स करके अपने फेस पर लगाती हूँ। और आपने अगर मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं कभी भी बायो ऑयल को नहीं छोड़ती। इसके टॉप 5 यूजेस भी मैंने बताए थे कि आप बायो ऑयल को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आप वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग यूजेस है इसके। और ये सबसे बड़ी बात, मुझे आप में से ही किसी ने रिकमेंड किया था और उसके बाद से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी यूजेस मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया है इसने। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे हमेशा रात को इस्तेमाल करें, कभी भी डे टाइम में मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में मेंशन करती हूँ, जब भी मैं बायो ऑयल के बारे में जिक्र करती हूँ, कभी भी इसे दिन में नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा रात में लगाइए। दिन में ही आपकी स्किन को जला भी सकता है, धूप के कारण आपकी स्किन जल भी सकती है। तो इसे हमेशा रात को इस्तेमाल कीजिए। ये थे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ और जो मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं और आप लोगों की स्किन को भी हेल्दी रखेंगे अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो फिर फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। उसके साथ जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कीजिए। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो फटाफट से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियो फटाफट से सबसे पहले देख सकेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए और मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक सब पर अवेलेबल हूँ, तो फटाफट से मुझे वहां पर फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।